हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का यूट्यूब चैनल स्टेटमेंट में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का 5.3 पढ़ेंगे। 5.3 में हम लोग देखेंगे, इसमें लगभग 15 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम भाग 1, भाग 2, भाग 3 के रूप में बनाएंगे और इसमें दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में dy / dx ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लोग जैसे कि पहला प्रश्न देख रहे हैं, तो बहुत आसान तरीका है बनाने के लिए और हम लोग देखेंगे और अच्छा वीडियो लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले देखना है कि 2x और 3y और sin x, यह हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसका हम dy / dx निकालें, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर या dy / dx करने पर। तो दोनों आगे जो देखिए, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो दोनों में हम लोग कर देंगे dy / dx। तो ये हो गया 2x प्लस 3y, यहां भी हो गया dy / dx और यहां पर हो गया sin x। देखिए, इसका 2x का dy / dx तो ये 2 होगा और 3 का होगा 3 dy / dx। अब देखिए, इसका हो गया sin का हो जाएगा आपका cos x। अब ये जो है ये आपको राइट में, वो लेफ्ट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 dy / dx cos x माइनस 2। अब इसको dy / dx इक्वल टू cos x माइनस 2 / ये आपका 3 होगा। तो इस प्रकार का पहला का प्रश्न बन चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, आप लोग तुम ध्यान से बनाएगा, मजा से बनाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, दूसरा प्रश्न जो हम लोग का है, ठीक है। दूसरा प्रश्न दिया है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। इसमें भी हम लोग उसी प्रकार हल करेंगे, x के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ हो गया डी वाई डी एक्स, पोस्ट में आया 2x प्लस 3y और यहाँ हो गया साइन वाई। यहाँ पर डीवाई डी एक्स से भी कर दीजिए। अब देखिए, ये हो गया 2 और यहाँ हो गया 3 डीवाई वाई डी एक्स, और ये हो गया आपका साइन का हो जाएगा कॉस वाई डीवाई वाई डी एक्स। अब देखिए, इसको हम लोग ऊपर इधर ले जाएंगे, ठीक है। 2 इक्वल टू हो गया आपका cos y dy / dx और माइनस 3 dy / dx। अब देखिए, 2 तो हो गया, इसमें से दोनों से हम लोग dy / dx को मान लेंगे, तो cos y और माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका dy / dx, ठीक है। और हम देखिए यहाँ लिख सकते हैं 2 बटा में लिखेंगे cos y माइनस 3 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। यही आपका दूसरा प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग तो आसान तरीका लग रहा है ना, हम कीजिएगा तो अच्छा से बन जाएगा, ठीक है। कहीं दिक्कत होगा कमेंट में आप लोग पीडीएफ अपना नंबर या मेरे व्हाट्सएप नंबर से बताकर पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, तीसरा जो प्रश्न दिया है, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस कॉस वाई, इसको लिखेंगे हम लोग ठीक उसी तरह एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसको भी लिखेंगे हम लोग डी वाई डी एक्स पोस्ट में ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स कॉस वाई, इसको लिखेंगे तो ए हो गया और यहाँ हो गया, देखिए 2 नीचे आ जाएगा, 2 बी वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और इसको लिखेंगे हम लोग माइनस साइन वाई डी वाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए, अब हम चाह रहे हैं कि ये जो है इसको हम लोग इसको उधर ले जाए और इसको इधर ला दें, ठीक है, इसको इधर ला दें चाहे उसको उधर ले जाए, तो वही बात है। देखिए, तो यहाँ हम ले जाते हैं 2
बी वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया यहाँ पर, और साइन है तो इधर आ गया था प्लस साइन वाई हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और ये ए है तो उधर चल गया था माइनस ए हो गया। अब देखिए दोनों में डी वाई बाई डी वाई एक्स है, ठीक है, तो हम इसमें से डी वाई बाई डी एक्स को मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ का बच गया टू बी वाई प्लस साइन वाई, अब इसको बटन कर दीजिए, ये माइनस ए है, तो यहाँ लिख दीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ हो गया आपका माइनस ए बटन में टू बी वाई प्लस साइन वाई, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रश्न हो गया, चौथा प्रश्न देखिए बाबू, ठीक है, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए यदि आपको अच्छा लगा, और अपना कमेंट भी हमको दिखाइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अब देखिए चार नंबर प्रश्न दिया है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई, इसको लिखेंगे हम लोग एक्स के सापेक्ष, ठीक, अवकलन करने पर, तो ये हो गया आपका डी वाई वाई डी एक्स, पोस्ट लीजिए एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ हो गया डी वाई डी एक्स टेन एक्स प्लस वाई। देखिए ये आपका वन और टू पर फॉर्मूला टूटेगा, ठीक है, तो यहाँ हो गया एक्स डी वाई वाई डी एक्स प्लस, यहाँ हो गया वाई इन टू वन, क्योंकि एक्स का वन हो गया, यहाँ पर डी वाई हो गया कि एक्स तो वही हो गया, वाई डी वाई वाई का डी वाई हो गया प्लस फिर वाई एन टू एक्स का अवकलन होता है एक, प्लस यहाँ हो गया टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये उसके सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस वाई को हम लोग उधर ले जाएंगे, ठीक, और इसको हम इधर लाएंगे, तो देखिए यहाँ का बच गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया माइनस डी वाई बाई डी एक्स, देखिए ये, और यहाँ हो गया सेक स्क्वायर एक्स और माइनस वाई। अब इसमें से देखिए तीनों में डी वाई बाई डी एक्स है, तीनों हम कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए क्या बच गया यहाँ पर एक्स प्लस टू वाई और माइनस वन, और यहाँ लिख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और सेक एक्स माइनस वाई बटा में एक्स प्लस टू वाई माइनस वन, यह हम लोग का आंसर हो गया। इस प्रकार चार प्रश्न हम बना चुके हैं, अब देखिए आप पांच प्रश्न, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ आता होगा, आप सब लोग का एसटीआर मैथमेटिक्स में स्वागत है, विक्रमगंज अस्कामनी नगर मोनरिटी गली में मेरा इंस्टीट्यूट चलता है, आप लोग ऑफलाइन भी आकर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फाइव प्रश्न, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सौ, हम लोग ठीक उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स सबको ले लीजिए आप प्रश्न, तब इक्वल से हम लोग हल करेंगे अच्छे से, इसको करें तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, सौ का होता है सौ जीरो हो जाता है, तब देखिए ये हो गया आपका टू एक्स, और यहाँ देखिए वन टू का प्रमुख तोड़ेगा तब डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वन प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स टू जीरो। अब देखिए इसमें यहाँ पर डी वाई डी एक्स है और यहाँ पर डी वाई डी एक्स, दोनों को हम लोग उधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ हो गया डी वाई डी एक्स और प्लस टू वाई डी वाई डी एक्स, ठीक है, ये आप उधर गया तो माइनस टू एक्स और माइनस वाई हो गया, दोनों को मान लेंगे तो देखिए यहाँ हो गया आपका एक्स प्लस टू वाई और कोस्ट में हो गया डी वाई डी एक्स को मान लीजिए इस पर,
यहाँ हो गया माइनस मेरे जगह तो 2x माइनस वाई प्लस वाई हो गया। अब इसको फाइनल आंसर में लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और यहाँ हो गया माइनस 2 प्लस वाई बटा में यहाँ हो गया x प्लस 2y। तो इसी के साथ चैप्टर आप लोग का चैप्टर नहीं सॉरी फाइव नंबर प्रश्न को समाप्त कर दिया भाग वन में। और सबसे बड़ा बात है कि कोरोना चल रहा है, साला कोरोना इतना टेंशन दे दिया है कि सबको नींदे हैरान कर दिया है, सब लोग टेंशन में है, यहाँ तक सब हम भी टेंशन में। आज हम लोग को कोचिंग बंद है, शिक्षण बंद है, सब बंद है, लड़का लड़की भी एकदम टेंशन में है। बच्चा लोग फोन कर रहा है सर कहिया मिलन हुई क्या हुई, अरे हम कैसे मिलेंगे, बिहार शादी में सरवा देगा सब पकड़ पकड़ करना चाहता हूँ। आज हम बारात में वो वेदी देखे थे, ठीक है, वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत लोग जो नचनिया होली सन ऊपर पकड़ पकड़ करना चाहते सर कहते सर कोरोना वो तो बड़का कोरोना पहले ही बात। तो बहुत हम लोग को बचना है, आप बहुत भयानक रूप में है, देखिए पूरे पूरे राज्य में पूरे बिहार में पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी हो गया। आज हम लोग पलंग चौकी पर के लिए मार कर देते हैं, तिलक में पलंग मिली चौकी मिली फ्रिज मिली, आज वही ऑक्सीजन जहाँ से हम लोग पेड़ पौधा से हम लोग ऑक्सीजन मिलता है, और जो हम लोग पेड़ पौधा बहुत दिन पर दिन पतन होते जा रहा है, देखिए आज ऑक्सीजन की इतनी मात्रा कम हो गई है तो हम लोग मरते जा रहे हैं। तो मेरे विद्यार्थियों मेरे अभिभावकों सभी लोग से निवेदन है कि पेड़ पौधा लगाएं हम लोग और कोरोना से बचे। और कह रहा है कि मास्क जरूरी है दो गज जरूरी, अरे मास्क जरूरी है दो गज जरूरी है तो सब लोग तो ऐसा ही है तो कोरोना आखिर कहाँ से फैल रहा है। अब कोरोना आखिर कोरोना भी आया है तो सबको एकदम तंग कर रखा है, तो बहुत टेंशन में हम हैं, कोई बात नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है।